हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, सीआरटी टीवी पीसीबी का अलग अलग सेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन, पावर सेक्शन, ये सबका ऊपर मैं पार्ट वन पार्ट टू इस टाइम में अलग अलग वीडियो बना के रखा है, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करना बहुत टफ हो जाता है, तो इसलिए मैं पार्ट वन पार्ट टू वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ये एक अलग पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में आपको अल्ट्रा स्लिम पीसीबी का ईएसटी सेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का और नॉर्मल पीसीबी का जो डिफरेंस होता है, ये आपको समझने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा न्यू टेक्नीशियन को, तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास एक न्यू चाइना अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है, ठीक है। और इसका अंदर कुछ अलग सिस्टम होता है नॉर्मल पीसीबी से। आप देख सकते हो ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जो ईएसटी सेक्शन होता है, ईएसटी है, और इसका ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये है, ठीक है। और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का बाद दोस्तों इसका अंदर भी डाइवर कॉयल है, ठीक है। और ये डाइवर कॉयल और डाइवर ट्रांजिस्टर का ऊपर मैं डिटेल से बताया, और ये डाइवर कॉयल का साथ भी एक डाइवर ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, ये मैं पीसीबी उल्टा करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये पीसीबी के अंदर ये एक अलग सा पार्ट्स है, आप देख सकते हो ये हीट सिंक का साथ, ये देखिए ये अलग सा एक पार्ट्स है, ठीक है। तो ये पार्ट्स जो नंबर क्लियर नहीं देखा जाता है, तब भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए TIP42, ठीक है, ये एक मॉस्फेट है, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग से एक पार्ट्स है, ये अल्ट्रा स्लिम पीसीबी का अंदर ही देखा जाता है, ठीक है। ये चाइना अल्ट्रा स्लिम पीसीबी है। तो ये पार्ट्स का ऊपर आपको कुछ डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिए, मैं बहुत कुछ पीसीबी को मैं पिक्चर ट्यूब से बाहर करके टेस्ट किया है और लाइन देके टेस्ट करके आपको देखा है, लेकिन अल्ट्रा स्लिम पीसीबी को आपको ये कॉइल कनेक्शन करके टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो मॉस्फेट ये बहुत हीट हो जाएगा और काट भी जाएगा, ठीक है, और आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं इसका जो योग का कनेक्शन, ये देखिए मैं बाहर से योग कॉइल का कनेक्शन करके रखा है, क्योंकि मैं आपको वोल्टेज थोड़ा सा चेक करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए मैं कैमरा को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और आपको और अच्छा करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट दोस्तों, ये जो मॉस्फेट है इसका कनेक्शन क्या है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके रखा है, तो ये ड्राइंग आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप देखिए ये जो मैं एक ड्राइंग करके रखा है, अब देखिए बहुत ही नॉर्मल सा ड्राइंग है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो देखूंगा, मान लो ये जो ईएसटी है, ईएसटी का पिन है, ठीक है, ईएसटी का एक पिन सप्लाई होता है, तो मान लो ये एक सप्लाई पिन है, और ये पिन से मान लो ये पिन से आउटपुट होता है, तो ये जो आउटपुट पिन है ईएसटी का सप्लाई पिन से जो वोल्टेज आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, तो दोस्तों मान लो ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, ठीक है। तो ये लाइन से हॉरिजॉन्टल योग कॉइल का कनेक्शन होता है ये पॉइंट से, और दोस्तों टिन टिन का जो ईएसटी होता है उसका ईएसटी का जो अलग अलग इस टाइप पिन होता है, ये पिन से भी आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट अलग अलग होता है, दोनों जो लेफ्ट राइट साइज होता है वो एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो मेनली मैं ये मेनली सप्लाई को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल ये कॉइल का एक आउटपुट पॉइंट है, और ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट का एक पॉइंट है, और ये जो कॉइल मैं देखा है ये योग कॉइल का कनेक्शन है, जो हॉरिजॉन्टल का कॉइल है। तो दोस्तों, ये सिंपल सा ड्राइंग आपको करके दिखाया, और ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट का जो आउटपुट पॉइंट, ये कनेक्शन किस तरह होता है आपको थोड़ा सा समझ देता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, बीच में एक कॉइल है, और ये कॉइल के साथ पैरेलल एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो लाइन बीच में एक पीएफ देखा जाता है 400 वोल्ट का पीएफ, तो दोस्तों ये 250 वोल्ट का पीएफ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका वैल्यू ये चाइना पीसीबी पर मैं जो देखा है, ये पीसीबी पर 474J, ठीक है, ये पीएफ होने के बाद बीच में और एक भी कॉइल है, ठीक है,
और ये कॉइल से देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये जो रेजिस्टेंस है 5.1K। तो दोस्तों पीसीबी लेके आपको दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये 1 ओम्स मैं के लिख के रखा है, एक्चुअली 5.1 ओम्स 5.1 ओम्स होगा, ठीक है 5.1 ओम्स 5 ओम्स का आसपास, और ये 2 वाट का रेजिस्टेंस है। तो ये सप्लाई देता है ये TIP T42 मॉस्फेट को, ठीक है, और इसका मिडिल पिन ग्राउंड हो जाता है, और इसका एक पिन ये अलग सा एक ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, ये जो ट्रांजिस्टर का नाम 1815, ठीक है 1815। तो ये ट्रांजिस्टर का एक पिन पर कलेक्टर पिन पर सप्लाई आता है, और ये ट्रांजिस्टर का एक पिन ग्राउंड हो जाता है, और एक पिन एमिटर पिन होता है, सॉरी कलेक्टर पिन, सॉरी बेस पिन होता है, ठीक है ये बेस पिन होता है। ये बेस पिन डायरेक्ट प्रोसेसर आईसी का 25 नंबर पिन के साथ कनेक्शन है, ठीक है, और बीच में एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, और ये जो 25 नंबर पिन है, ये पिन का जो नाम है ACL पिन, ठीक है ध्यान दीजिए ACL पिन। तो दोस्तों इसका काम क्या है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करूँगा, और आपको PCB लेके भी आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और दोस्तों एक बात देखिए, ये जो लाइन आपको ये PF दिखाया, ये PCB पर यही कनेक्शन है, और अलग अलग PCB पर ये तीनों पार्ट्स भी एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये PCB पर ये कनेक्शन ओपन करके ही रखा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, ये पूरा ड्राइंग आपको ये PCB लेके आपको दिखाऊंगा, और PCB से ये ड्राइंग करके मैं ये आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा PCB को उल्टा कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो ड्राइंग मैं करके रखा है, ये योक कॉइल का एक आउटपुट पॉइंट है, ठीक है हॉरिजॉन्टल कॉइल का, और ये हॉरिजॉन्टल कॉइल का एक आउटपुट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, और ये नीचे 2 पॉइंट वर्टिकल का है, ये अलग सा बात है। तो ये जो 2 मेन पॉइंट है, देखिए ये जो कलेक्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर का, ये पिन का साथ कनेक्शन है, और दोस्तों ये पिन से भी आउटपुट हो सकता है, ये पिन से आउटपुट हो सकता है, ठीक है अलग अलग 10 ESD का 1 2 3 4 5 ये अलग अलग पिन आउटपुट पिन है, ठीक है। तो मेनली ये मेन पॉइंट है 1 और 2, ये पिन है, और ये जो मैं ड्राइंग करके दिखाया ये पिन से, ये देखिए ये जो मैं ड्राइंग करके दिखाया, ये जो कॉइल और ये जो रेजिस्टेंस है, ये योक कॉइल का जो कनेक्शन आउट पिन, ये 2 रेजिस्टेंस और कॉइल, ये देखिए ये एक कॉइल है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक PF है, ठीक है यहाँ तक एक PF है, अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक PF है, ठीक है, और ये जो PF मैं ड्राइंग करके देखा है ये PF, ठीक है ये एक PF है, और उसके बाद ये कॉइल है। दोस्तों ये जो ड्राइंग में करके देखा है ये जो PF है, PF के बाद ये एक कॉइल है, ठीक है ये एक कॉइल, और ये जो लाइन डायरेक्ट ये जाता है बीच में एक जम्पर है, और इस पर एक फिल्टर कैपेसिटर है, ये फिल्टर कैपेसिटर को मैं ड्राइंग पर नहीं दिखाया, लेकिन दोस्तों ये जो मेन लाइन ये आपको दिखाता हूँ, बीच में एक 2 वाट का रेजिस्टेंस है, ठीक है ये 2 वाट का रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस के बाद बीच में एक जम्पर है, और ये मॉस्फेट का ये पिन पर सप्लाई आता है, ठीक है देखिए ये जो ड्राइंग में करके रखा है मॉस्फेट का, ये पिन पर सप्लाई आता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों उल्टा करके भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से सप्लाई यहाँ पर आता है, ठीक है। तो सप्लाई आने के बाद ये पिन पर सप्लाई आने के बाद मिडिल पिन ग्राउंड हो जाता है, और ये ऊपर वाला पिन से एक सप्लाई ये ट्रांजिस्टर पर आएगा, ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर के इधर पिन ग्राउंड हो जाता है, और ये पिन का साथ जो कनेक्शन है ये आईसी का 20 नंबर 25, ठीक है 25 नंबर पिन से, ये 20 नंबर 5 पिन है, ठीक है ये पिन। तो दोस्तों ये जो आपको सब कुछ देखा है, ये 20 नंबर पिन से ये जो ईस्ट वेस्ट एक्चुअली सेक्शन कहा जाता है, ये सेक्शन को ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अंदर ही होता है, ठीक है ये ईस्ट वेस्ट सेक्शन का काम क्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ड्राइंग में आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि ये जो पिक्चर होता है, ठीक है देखिए ये जो पिक्चर होता है, पिक्चर का लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है ये लेफ्ट और ये जो राइट साइड, ठीक है ये दोनों साइड को एडजस्ट करने के लिए ये सेक्शन यूज़ होता है, और पिक्चर का ये
स्क्रीन का ये ऊपर और नीचे साइड, ये दोनों साइड ये वर्टिकल सेक्शन का काम है, ठीक है, एडजस्ट पिक्चर एडजस्ट करने के लिए। तो कभी कभी देखा जाता है जो वो सेक्शन फॉल्ट होने के लिए इस टाइप प्रॉब्लम भी देखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप प्रॉब्लम भी देखा जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये सेक्शन प्रॉब्लम होने के लिए और ये सेक्शन काम नहीं करेगा, तो इस टाइप प्रॉब्लम भी देखा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप प्रॉब्लम देखा जाता है और न्यू किट लगाने का समय इस टाइप भी देखा जाता है। तो ये टोटल एडजस्ट करने के लिए आपको सर्विस मोड ओपन करके एडजस्ट करना पड़ेगा। जब सर्विस मोड से आप वो सेक्शन को एडजस्ट करेगा, वो कैसे काम होता है तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जब सर्विस मोड ओपन करके उसका एडजस्ट सिस्टम, उसका जो वैल्यू आप चेंज करेगा, चेंज करने का समय ये आईसी का 25 नंबर पिन से, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये आईसी का 25 नंबर पिन से एक सिग्नल ये ट्रांजिस्टर पर आएगा, ठीक है। ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर पर आएगा, ये ट्रांजिस्टर पिन पर, बेस पिन पर आने के बाद ये ट्रांजिस्टर ये पार्स को कंट्रोल करेगा। तो ये पार्स जब कंट्रोल होगा, ये टोटली वोल्टेज, ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन होता है, जो आउटपुट ये इक्वल का जो पास का साथ कनेक्शन, ये जो आपको ड्राइंग करके दिखाया, तो इसी हिसाब से ये आउटपुट सेक्शन कंट्रोल होता है। इसका ESD कंट्रोल होता है, टोटल आउटपुट ऑसिलेशन कंट्रोल होता है। तो इसी हिसाब से ये आउटपुट सेक्शन, हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन कंट्रोल होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसका बाद आपको जो देखाऊंगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए और फॉल्ट होने के बाद ये पोजीशन पर कौन कौन वोल्टेज मिलता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा PCB को सेट कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, मैं ओपन करके टेस्ट करता हूँ। और ESD का फाइनल एनोड, ये जो फाइनल एनोड, ये थोड़ा सा आपको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका सप्लाई मैं देगा, सप्लाई देके आपको मीटर लेके वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आपको दिखाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अब मीटर पर ध्यान दीजिए, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया है, ठीक है। और उसका बाद मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सेट पर मैं लाइन दे दिया और इसका ESD चालू हो गया। इसी कंडीशन पर ये जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस आपको दिखाया 5.1 ओम्स का आसपास, ये जो वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस का ये पिन पर देखिए ओनली 17 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है, अब ध्यान से देखिए। और ये रेजिस्टेंस का जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पर 16 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। और ये सप्लाई डायरेक्ट, ये जो MOSFET आपको दिखाया, ये MOSFET का ये पिन पर आता है 16 वोल्ट के आसपास। और ये MOSFET का ऊपर वाला पिन से ये वोल्टेज आउटपुट होता है, अब देखिए 15 वोल्ट। और ये जो वोल्टेज डायरेक्ट, ये जो छोटा वाला 18 ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर पिन पर ये सेम वोल्टेज आता है, ठीक है। और ये तो ग्राउंड पिन हो गया, और इसका मिडिल पिन ग्राउंड पिन हो गया। और दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन होता है, यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, 0.5 से 7 वोल्ट ICसे आता है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट पर ये जो लाइन जाता है डायरेक्ट 25 नंबर पिन से, दोस्तों ये 20 नंबर 5 का पिन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा, मैसेज को ऑफ कर देता हूँ। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहता हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखना चाहता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं उसका अंदर में वो वीडियो का लिंक देख के रखा है। और आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा है, वो दोस्तों बिल्कुल फ्री में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।